गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सो मेरा नमन सबको, हैप्पी टीचर्स डे। पहला बात तो मेरे जितने भी टीचर्स, जितने भी गुरुजन हैं, जो कि हम अभी जहाँ पे भी हैं, उन लोगों का बहुत ही मतलब योगदान रहा है। हम अभी जहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं, उनके बिना शायद ही कुछ हो पाएगा। उनका ब्लेसिंग्स के बिना शायद ही मैं यहाँ पे पहुँच पाता, या फिर मैं जो भी कर रहा हूँ, शायद ही वो लोग जितने भी गाइड किए थे, अगर उन लोगों का साथ नहीं रहता तो शायद ही हम लोगों को अभी कोई पहचानता। तो थैंक यू सो मच टीचर्स, माई बिलवेड एंड रेस्पेक्टेड टीचर, जिनके लिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं। और आप लोग जो पर्सन आप लोगों में हमने देखा है, वही पैसन को हम लोग भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए मैंने भी अपना जो करियर है, इसलिए मैंने टीचरशिप अपनाया था। पहले लग रहा था कि ये सही रहेगा सही नहीं रहेगा, बट जैसे जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे एक लगा कि नहीं, इसमें एक ऐसा तो कुछ जादू है जिसमें कि बच्चों को अगर हम कुछ अच्छे से वे में समझा पाएंगे, आपका अगर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा है, क्योंकि वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ऐसा एक ईजी टास्क नहीं है मुझे जितना मतलब पता है, क्योंकि मैं भी बहुत जब पढ़ता था, कोई टीचर अगर मुझे समझा नहीं पाते तो मुझे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता था उसको समझने में। तो इसलिए मुझे भी पता है, मैं भी जब पढ़ाता हूँ, कोई भी पढ़ाता है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि किसी को समझाना, कोई भी एक बात समझाना इतना ईजी टास्क नहीं है। और वहीं पर टीचर बार बार आपको अगर समझा रहे हैं, अगर आपका डाउट को क्लियर कर रहे हैं, बार बार आप वही सेम चीज़ पूछ रहे हैं, बार बार वो पेशेंसली आपका बात सुन रहे हैं और उसका डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो मतलब समझ लेना कि मतलब ये बहुत ही बड़ा टास्क है। अगर आप लोग खुद को वहीं जगह में प्लेस करके रखोगे तो मे बी एक दो बार में आप लोगों को मतलब गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, मतलब एक इरिटेशन आ जाता है बीच में कि कितना बार मैं समझाऊँ सेम चीज़ को, मैं कितना बार समझाऊँ। बट जितने भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं या फिर जितने भी टीचर हमको पढ़ाए हैं, हमने वहाँ से वही दिखाया कि पेशेंस तो बहुत ही ज़रूरी है ये वाला, अगर आप करियर चूज़ कर रहे हो तो मैं आज पूरा खुद को शायद मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये टीचरशिप का मतलब करियर पाथ अपनाया। बहुत लोगों से सुना था, मेरे पापा भी खुद मुझे बोलते थे कि ये ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें कि आप लोग को जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट मिलेगा शायद ही और कहीं पे मिलता है। एंड आज मैं उसको मतलब रियलिटी को मतलब मैं आज रियलाइज़ कर पा रहा हूँ। और ये मेरे भगवान जी हैं, आपके सबके भगवान जी हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा, इसलिए मैं आज इनको वीडियो में भी लाया हूँ, ओम गणेशाय नमः। हमेशा ये मेरे साथ रहता है, कहीं ना कहीं पे छोटा सा एक मैं रखता हूँ हमेशा आपको हमारे साथ में, ये मेरे रूम में अभी बैठे हैं। तो इसीलिए मतलब आज का ये वीडियो बनाने का बस यही रीज़न है कि मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हर बार आता है, हर बार टीचर्स डे में विशेस आता है, बट इस बार इतना विशेस आएगा मुझे मतलब मैं खुद को और मतलब इमोशनली इतना टच हो गया कि मैं और मतलब वीडियो ना बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं इंडिविजुअली सबको मैसेज कर रहा था, रिप्लाई दे रहा था, बट मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो ही बना देते हैं ताकि सबको ही देख लेंगे और सबको ही का वही सेम ही मैसेज मेरे तरफ से रहेगा आप लोगों की। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी हो, आप लोग बस पढ़ाई करो, इतना मतलब हार्ड वर्क करो ताकि मतलब एक जगह में ऐसे पहुँच जाओगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर मम्मी पापा खुश होंगे, उसके बाद अगर कोई भी खुश होंगे तो आपके टीचर्स ही होंगे और उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं रहता, ठीक है। तो टीचर डेडिकेटली आपके पीछे अगर लगे हुए हैं तो समझ लेना कि वो लोग डेडिकेटली आपको कहीं ना कहीं पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो अगेन हैप्पी टीचर्स डे। तो जो टीचर मुझे पढ़ाए हैं और उनका मतलब जो भी आशीर्वाद था, उनके लिए आज हम जहाँ पे भी हैं उनके लिए ही हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स है, मैं आज थोड़ा खुल के बोलना चाहता हूं कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था गायत्री रेसिडेंशियल कॉलेज केउजर से। वहाँ के जितने बच्चे थे वहाँ पे एक साल मैंने जॉब किया था, फिर उसके बाद मैं संजयवर हाई स्कूल केउजर में जॉब किया और वहाँ पे मैंने अपना करियर का 4.5 इयर्स वहाँ पे मैंने डेडिकेटली दिया। और अभी रिसेंटली मैं संजयवर हाई स्कूल नया बाजार कटक में हूँ। तो ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी तक काम किया था, दो ऑर्गेनाइजेशन और अभी जो काम कर रहा हूँ, वहाँ पे वर्क कल्चर तो सेम ही है। मैं टीचर ही था तब भी था, अभी भी हूँ, तब भी मैं पढ़ा रहा था, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तब भी जैसे बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था अभी भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट वही है कि जो बच्चों से मैं इंटरेक्ट बार बार हर साल में करता आ रहा हूं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे मतलब इंटरेक्ट कर चुके हैं, ताकि आज जब सुबह हुआ मतलब ये टीचर्स डे ही होता है जिसमें कि बच्चे और टीचर्स अपने आप में इंटरेक्शन करते हैं और उनके प्रति जो लव और अफेक्शन हमेशा ही रहता है, बट आज एक दिखाने का वे रहता है। तो वो लोग सुबह से ही मैसेज करते जा रहे, कॉल करते जा रहे, बट मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा, किसी का रिप्लाई दे रहा हूं, किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं ड्यू टू सम वर्क, क्योंकि स्कूल में भी सेलिब्रेशन चल रहा था। बट फाइनली मैंने आज आके एक ये वाला वीडियो बनाया ताकि मुझे बस मैं आपको बता सकूं कि मैं कितना खुश हूं और कितना ब्लेस्ड अपने आप को मानता हूं कि मैं आप लोगों का टीचर हूं। और कहीं ना कहीं शायद ही मेरा कुछ ना कुछ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा होगा, इसलिए ही इतना लव एंड अफेक्शन आप लोग दिखा रहे हो, सारे टीचर्स को दिखा रहे हो मुझे पता है, बट मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप लोग मुझे भी दिखा रहे हो, मैं भी आप लोगों का एक हिस्सा हूँ, आप लोगों का फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और हमारा जो मैथजोन फैमिली है यहाँ पे भी इतने बच्चे जुड़े हुए दिन भर से मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मतलब मैं खुद को मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ या फिर जो टीचिंग आपको दे रहा हूँ, जो मतलब कुछ बच्चों को सिखा रहा हूँ, अगर वहाँ से कुछ बच्चे सीख के अगर आप लोगों को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इससे बड़ा चीज़ दुनिया में ही
ही शायद कुछ होगा, और जो सेटिस्फेक्शन मतलब एक बच्चे को समझाने के बाद होता है वो शायद ही और कोई प्रोफेशन में आप लोगों को मिलता रहेगा, अकॉर्डिंग टू मी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट मेरे ओपिनियन से मुझे जो लगता है, मैं बस वो फील कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बस बच्चों, चाहे वो केंद्र के बच्चे हो, चाहे वो कटक के बच्चे हो, चाहे वो उड़ीसा के कहीं के बच्चे हो, चाहे वो इंडिया के कहीं के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो लोग मिस्टेक करेंगे। हमारा काम है उसको सुधारना, और कैसे सुधारना है वो हमको अच्छे से पता है। बस सारे मतलब बच्चों को वही बोलना चाहता हूँ कि मैं जब भी पहले भी आपके साथ था, अभी भी आपके साथ हो, और आगे में जब तक मैं हूँ और मेरा ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ ही रहेगा, उसका कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को कन्वे करके आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिप्स दे सकूं, जबकि आप लोगों को हेल्प करेगा ऑब्वियसली आप लोग के करियर बिल्डिंग को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली विशेस। और मैं मतलब सच्ची में अभी इमोशनल हो जा रहा हूं पढ़ पढ़ के। आज तो सुबह ही मैं आके स्कूल से पढ़ रहा था, इमोशनल हो गया था, बट रिप्लाई नहीं दे पाया अभी, बट फिर भी सबका रिप्लाई मैं दूंगा अभी वीडियो बनाने के बाद, सबका इंडिविजुअली पढ़कर रिप्लाई दूंगा। बट बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बस आप लोगों को कन्वे करना था कि मैं अगर टीचरशिप लाइन में हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मतलब टीचर मानता हूं कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं और इतना डेडिकेशन दे रहे हो वो लोग पढ़ाई के प्रति। हम लोग भी आपका हमारा डेडिकेशन दे रहे हैं, बस आप लोग खुश रहो, पढ़ाई बहुत ऐसा करो ताकि दुनिया में खुशी को अगर खुशी देना है तो पहले आपके मम्मी पापा को खुशी दो, वो खुश होंगे तो आपका जिंदगी भी खुश हो जाएगा। बस यही मैसेज था मेरे तरफ से, एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे जो मेरे टीचर्स हैं जिनके लिए हम आज यहीं जहाँ पे भी हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट ये वाला वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आप लोगों के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हो सके तो आप लोगों का फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा फीलिंग हो रहा है और कितना आप लोगों ने मिस किया। ऑब्वियसली आप सबने मुझे मिस किया, मैंने भी आपको बहुत ही मिस किया जो केंद्र के बच्चे थे। अभी क्योंकि मैं कटक में आ गया हूँ तो ऑब्वियसली ड्यू टू सम रीजन मुझे ट्रांसफर चेंज करना पड़ा, बट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। आपको जैसे पता है मैं जहाँ पे भी रहूँ फिजिकली में भी मैं आपके साथ नहीं हूँ, बट इमोशनली हमेशा आपके साथ टच रहूँ। आज पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा, और ये गणेश जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे और वो आशीर्वाद करेंगे, तो हम ऑब्वियसली बहुत अच्छे जगह में पहुँच सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और फाइनली और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ, तो इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कोई एक नया कंटेंट को लेके। बस ये वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मैथ जोन फैमिली में ज्वाइन नहीं हुआ है तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, आप लोग ज्वाइन होकर हमारा मैथ जोन फैमिली को भी एनकरेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, एंड कीप लर्निंग, कीप साइनिंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू ऑल टिल द एंड। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जय।